हमारे इस खास प्रोग्राम में हम आपको मुतारिफ कराते हैं ऐसे फनकारों से जिनके हाथों में फन की जादूगरी भरी है और जिन्होंने हिंदुस्तान के रिवायती फनून को अपने हुनर के दम पर जिंदा रखा है। ऐसे ही नायाब फनून में जरदोजी का एक खास मकाम है। एक फनकार के हाथ की नफासत और सोने की अनोखी चमक की जुगलबंदी देखते ही बनती है। इस तरह के मंजर को लफ्जों में बयान करना जरा मुश्किल मालूम होता है, तो आइए आगरा शहर का रुख करते हुए मुलाकात करते हैं हिंदुस्तान के माहिर जरदोजी फनकार जनाब रईसुद्दीन साहब से। जनाब रईसुद्दीन के आबाओ अजदाद पिछली 16 पीढ़ियों से जरदोजी की खिदमत में लगे हुए हैं। हालांकि हिंदुस्तान में जरदोजी का सफर आगरा से शुरू हुआ, लेकिन जरदोजी ने हिंदुस्तान के कई शहरों में अपने कदम जमाए। आज जनाब रईसुद्दीन का शुमार जरदोजी के आला कारीगरों में किया जाता है। 72 साल फनकार जनाब रईसुद्दीन साहब ने 12 साल की छोटी उम्र में जरदोजी का काम अपने वालिद मोहतरम जनाब शेख शमसुद्दीन की सरपरस्ती में सीखना शुरू किया और साथ ही उनकी पढ़ाई का सिलसिला भी पाबंदी के साथ चलता रहा। काबिले जिक्र बात है कि आपने एमकॉम की तालीम पाने के बाद एलएलबी की डिग्री भी हासिल की और ये फैसला लिया कि आप जरदोजी के काम को ही अपना पेशा बनाएंगे। पानी को तो बिल्कुल बाद में लगाएंगे हम, लेकिन पहले इस सब की तैयारी लगानी है हमें। तैयारी लगा के सूत करना, फिर इन्हें जमाना है। ये जो लिखाई है इसी के ऊपर सारा काम करते चले जाओ। तीनों अपर जमाने के बाद इसको बिल्कुल कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसमें पूरी चारों तरफ इसमें बारीक घास डालनी है, फिर बीच में आ जाएंगे। यहाँ पर छोटी छोटी सी झाड़ियाँ बन जाएंगी। जैसा कि इसके नाम से जाहिर होता है कि जर का मतलब सोने से है और दोसी फारसी जबान में सिलने को कहते हैं। जरदोजी के काम में एक बारीक सुई के जरिए कपड़े के ऊपर सोने और चांदी के तारों को पिरोकर कढ़ाई की जाती है। इस कारीगरी के जरिए हर तरह की तस्वीर को कपड़े पर जिंदा किया जा सकता है। सोने और चांदी के तारों के अलावा जरदोजी में मोती और सलमा सितारे या कीमती पत्थरों का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन रिवायती तौर पर जरदोजी का काम हमेशा से खाली सोने और चांदी के तारों के इस्तेमाल से किया जाता था। सोने चांदी का काम होता था ये। अब वक्त की बात यह है कि 1968 में और 69 में 250 रुपये तोला सोना था, आज 30,000 रुपये का 10 ग्राम है। तो अब ये कौन अफोर्ड करेगा कि इतनी महंगी चीज़ बनवाए, वो अपने ड्रेस पर बनवाए। अगर मामूली से मामूली ड्रेस भी बनेगा तो 4-5 लाख रुपये का बनेगा। 30,000 रुपये का 10 ग्राम आएगा सोना, तो 10 ग्राम में तो इतना ही थोड़ा ही सा काम बन पाएगा। तो इसीलिए वो ख़त्म हो गया काम, सब अब इमिटेशन का काम है और इमिटेशन मोती वगैरह लगते हैं। लेकिन हम अपने काम में आज भी सेमी प्रेशर स्टोन और प्रेशर स्टोन का ही इस्तेमाल करते हैं। आगरा को मुगल बादशाहों ने कई तहाइफ से नवाजा। इस सिलसिले में मुगल बादशाह जहांगीर की मलिका नूरजहां का नाम लेना
बहुत जरूरी है। यूं तो जरदोजी का जिक्र ऋग्वेद में भी आता है, लेकिन मुगल दरबारों में इसका चलन मल्लिका नूरजहां के दौर से शुरू हुआ। माना जाता है कि जब नूरजहां ने ईरान का दौरा किया, तब वहां की इमारतों पर की गई नक्काशी ने उन्हें काफी हद तक मुतासिर किया। ईरान से कुछ कारीगरों को वो अपने साथ हिंदुस्तान ले आईं और ये फन इस मुल्क में बेहद मकबूल हुआ। इस फन की मकबूलियत को एक और पैदान ऊपर ले जाने में जनाब रईसुद्दीन के आबाओ अजदाद ने एक खास किरदार निभाया। उस वक्त जनाब रईसुद्दीन के मरहूम वालिद शेख शमसुद्दीन ने जरदोजी कारीगरी की कमान संभाली और उनकी खिदमात के लिए हुकूमत हिंद ने उन्हें नेशनल अवार्ड और पद्मश्री अवार्ड से नवाजा। आज जनाब रईसुद्दीन खुद जरदोजी के सरपरस्तों में शुमार किए जाते हैं। ऐसा काम बनना है तो ये सारा काम पूरा होना है, उसके बाद जब ये काम पूरा हो जाएगा तो यहाँ पैडिंग की जाएगी इन तीनों जानवरों की। पैडिंग करके इनका जो अपर बना रखा है हमारे पास, हमने अलग से बनाया है, वो इसके ऊपर लगाया जाएगा और वो जब फिट हो जाएगा तब हम ये पानी की तरफ जाएंगे और पानी पे ये बारीक बारीक घासें पहले किनारों पर बनेंगी। आगरा का जो कल्चर है बहुत रिच है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे काम ऐसे हैं जो मुग़लों के ज़माने से शुरू हुए हैं, जिसमें आज हिंदू मुसलमान सब मेरे एक साथ मिलजुल के काम कर रहे हैं। अगर कहा जाए तो बहुत सारे फ़न और बहुत सारी कलाएँ और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हिंदुस्तान को मुग़ल रूलर्स ने दी हैं। हिंदुस्तान के अंदर कभी भी जरदोजी नहीं होती थी, नूरजहाँ के लाने के बाद यहाँ पे वो ड्रेसेस का काम ईजाद हुआ और जिस तरह से मुग़ल डायनेस्टी में पूरे हिंदुस्तान में बहुत लोगों के कारोबार अच्छे हो गए थे, बहुत लोगों को की खुशहाली हो गई थी, तो इस काम को भी चार चांद लगे। जैसे मुगलिया सल्तनत का जवाल हुआ, जरदोजी के कदमों के निशान भी धुंधले होते दिखाई दिए। कारीगरों का सोने और चांदी के तारों का इस्तेमाल अपने खर्चे पर करना मुश्किल हो गया। जरदोजी का काम क्योंकि एक महंगा काम था, इस वजह से इसकी मांग में भी एक गिरावट आई। उस वक्त जनाब रईसुद्दीन और आपके वालिद मरहूम जो जरदोजी के अजीम फनकारों में शुमार किए जाते हैं, उन्होंने इस फन का हाथ थामा और दोबारा इसे अपने पैरों पर खड़ा किया और जरदोजी को पूरी दुनिया में एक नए रंग और शक्ल में पेश किया। मेरे फादर दरअसल बहुत बड़े आर्टिस्ट थे पहले, फिर वो क्राफ्टमैन भी बन गए, तो आर्ट को उन्होंने ही चेंज आर्ट इनटू क्राफ्ट 1952-53 में उन्होंने इस काम को चेंज किया और इस काम को चेंज करने में उनको बेपनाह इज्जत मिली। दुनिया के बड़े बड़े लोगों ने उनकी इज्जत की, इसलिए कि दुनिया ने ये काम देखा ही नहीं था और सबके लिए नया काम था। मेरे फादर ने एक तस्वीर बनाई थी अब्राहम लिंकन की, उसको 1976 में एट द टाइम ऑफ बाईसेंटिनरी ऑफ अमेरिकाज इंडिपेंडेंस आई पर्सनली प्रेजेंटेड टू प्रेसिडेंट फोर्ड। मैंने प्रेसिडेंट फोर्ड से ही कहा कि साहब मेरे फादर ये कहते हैं कि मेरा काम सीइंग इज बिलीविंग है। प्रेसिडेंट फोर्ड का जवाब ये था कि नो, आफ्टर सीइंग आई कांट बिलीव इट। जनाब रईसुद्दीन के वालिद मरहूम शेख शमसुद्दीन ने जरदोजी की एक नई तर्ज की ईजाद की, जिसे 3D जरदोजी का नाम दिया गया। आपके वालिद के नाम पर इसे पूरी दुनिया में शम्स एम्ब्रॉयडरी के नाम से जाना और पहचाना जाता है। ये जो आप मेरा काम देख रहे हैं 3D इफेक्ट का, ये पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं जानता, पूरी दुनिया में कोई नहीं जानता। आज की तारीख में मुझे इस बात का फ़ख्र है कि जो काम मेरे फादर ईजाद कर गए हैं, यूरोपियंस अमेरिकन्स आकर यहीं इसी जगह बैठकर काम सीखते हैं हमसे। कोई 4 दिन के लिए ग्रुप आता है, कोई 8 दिन के लिए आता है, इसी ज़मीन पर बिठाकर हम काम सिखाते हैं उन्हें। आज उनको ये चाहत है कि भाई ये आर्ट कौन सा है,
एम्ब्रॉयडरी के अंदर, और वो सीखने के लिए आगरे आते हैं, पूरे पूरे ग्रुप आते हैं, क्योंकि दुनिया ने इस काम को अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया है और दुनिया में इस काम को बहुत ज़्यादा रिकग्निशन मिल गया है। तो इसी वजह से लोग यहाँ पे आते हैं, यूरोपियन और अमेरिकन आते हैं और इस काम को सीखते हैं। '66 में मेरे ग्रैंडफादर ने एक तस्वीर बनाई थी जिसको अमेरिकन सील कहा जाता है, जो गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका की जो ऑफिशियल सील है वो बनाई थी, और उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट थे लिंडन बी जॉनसन। जब मेरे ग्रैंडफादर और मेरे फादर प्रेजेंट करने गए उसको, तो बहुत खुश हुए, उन्होंने मेरे ग्रैंडफादर को गले लगा लिया, और गले लगाने के बाद मेरे ग्रैंडफादर से कहते हैं कि आज दुनिया ने एक नया स्टार को पैदा किया है, आज इस दुनिया में एक नए सितारे ने जन्म लिया है, और उस सितारे का नाम है शम्स। और उस दिन के बाद से आज हमारे हर प्रोडक्ट के ऊपर शम्स नाम आता है। मरहूम शेख शमसुद्दीन के दौर में ताज हैंडीक्राफ्ट नामी एक इदारे की बुनियाद रखी गई। आगरा की इस खमखाती गली को मरहूम शेख शमसुद्दीन की याद में शम्स मार्ग के नाम से जाना जाता है। जनाब रईसुद्दीन के वालिद मरहूम ने ये इदारा जरदोजी की खिदमत के लिए शुरू किया, जहां आज तक तकरीबन 8,000 अफराद जरदोजी दस्तकारी के इल्म से फैजियाब हो चुके हैं। इस इदारे को जनाब रईसुद्दीन और उनके दोनों बेटे फैजुद्दीन और फरदीनुद्दीन जिम्मेदारी से चला रहे हैं। इस इदारे का वाहिद मकसद इस दस्तकारी के मायार और वजूद को बरकरार रखना है। जनाब रईसुद्दीन का मानना है कि इस तरह के इदारे जरदोजी जैसे मध्यम पड़ते हुए फनून की नशोनुमा में और इन्हें लंबी उम्र देने के लिए बेहद ज़रूरी हैं। हमें फ़ख्र होता अंदर से, और वो फ़ख्र की वजह ही ये है कि उन्होंने इतने बड़े हमारे लिए काम कर दिए कि आज हम लोग उनके नाम का ही सिलसिला आगे बढ़ा रहे हैं, और उसी की वजह से काम जिंदा है। हमारे अपने आइडियाज़ होते हैं और हम अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं वो दोनों तरीके से काम करते हैं। एक तो जो हमारे कस्टमर हैं, जो हमारे कदरदान हैं हमारी कला के, एक तो हम उनके हिसाब से चलते हैं, एक हम अपने नए नए प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं, जो हमारी कला है उसका मुजाहिरा करते हैं हम। पहले अब इधर से शुरू करोगे इसे जी, तो इधर से लेते हुए चले आओ जी, और इसे पूरा कर लो जी, पूरा करने के बाद फिर इस आँख के ऊपर आ जाओ जी। अच्छा, उसके बाद फिर ये गुल भी पढ़ने हैं इसके जी, ये दोनों आँखें सबसे आखिर में बनानी है हमें, ठीक है। तो पहले ये जो अधूरा काम दिख रहा है इसे पूरा कर लो, उसके बाद फिर ये दोनों आँखें बाद में बननी है। अभी तुमने इसको अधूरा छोड़ दिया है, इसलिए छोड़ दिया कि दोनों बैठे बीच में बैठने परेशानी हो रही है। अच्छा अच्छा, मैंने ये लगा ली थी तुम। हाँ, तुम इसका शेड ला रहे हो पूरा, दुम का शेड शेड तो सही लगा रहे हो तुम, शेड लगा तो इसको फिर दुम को पूरा कर लो, उसके बाद ही फिर इसमें आ जाना। अच्छा, इनके पास भी अभी तुम्हारे पास भी मुजफ्फर बहुत काम है, क्योंकि जब तक खुद अटेंशन नहीं देंगे हम, वो चीज़ हमारे हिसाब से सही नहीं बन पाएगी, उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी, और हम ये नहीं चाहते किसी भी हालत में कि हमारे काम में कोई कमी रह जाए और हमारा बायर ये कहे कि साहब इसमें ये कमी रह गई, वो चीज़ हम नहीं चाहते हैं। तो परफेक्शन चाहते हैं काम के। इस इदारे में बयक वक्त 100 कारीगर काम किया करते हैं और जरदोजी का पूरा काम हाथ से ही किया जाता है। हालांकि जरदोजी एक नाजुक तर्ज का काम है, लेकिन देखा जाता है कि उमूमन इस काम को मर्द ही किया करते हैं। आज के जमाने में जहां हर तरह का फन रिवायती तरीकों और हाथों को अलविदा कहकर मशीन पे उतर आया है, वहीं जनाब रईसुद्दीन की सरपरस्ती में ताज हैंडीक्राफ्ट के कारीगर जरदोजी का पूरा काम अपने हाथों से ही अंजाम देते हैं।
और जनाब रईसुद्दीन हर कारीगर के काम को जाती तौर पर देखते हैं और पूरा काम अपनी ही निगरानी में मुकम्मल करवाते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है वो होता है कि हम सबसे पहले खाका बनाते हैं, हम डिज़ाइन बनाते हैं। उसमें भी डिपेंड करता है कि किस तरह का डिज़ाइन बनना है, किस पिक्चर के ऊपर काम होना है, अलग अलग साइजेस के ऊपर काम होता है। डिज़ाइन जब रेडी हो जाता है उसके बाद उसको हमारी उर्दू ज़बान में सोजन कहते हैं, उसको सोजन करा जाता है। सोजन करने के बाद जिस चीज़ के ऊपर हमें वो डिज़ाइन छापना है, जिस कपड़े के ऊपर, उसको हम अपनी कारचोप पे, जिसको हिंदुस्तान की ज़बान में अड्डा भी बोला जाता है, उसको हम टाँगते हैं और उसके ऊपर वो डिज़ाइन को छापते हैं। अलग अलग लोगों के अपनी अलग अलग पसंद है, कोई कॉटन का कपड़ा पसंद करता है तो कोई वेलवेट पसंद करता है। उसके बाद ये जब छपाई हो जाती है तो जो कलाकार है वो अपना काम शुरू करता है और रेशम सीना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है, जो उसकी शक्ल है उसकी शक्ल दी जाती है, उसमें इतनी परतें रेशम की लगाई जाती हैं कि वो अपनी एक्चुअल शेप में आ जाता है। तो उसके बाद फिर इसका बॉर्डर बनता है, वो बॉर्डर अलग अड्डे पे बनाया जाता है, वो बॉर्डर इसमें फिर लगा के तस्वीर को तैयार कर दिया जाता है। और तैयार करने के बाद अगर कस्टमर कहता है कि मुझे इसको बोर्ड के ऊपर लगवाना है ताकि मैं दीवार पर टंगवाऊँ, तो हम बोर्ड पर लगवा देते हैं, वरना इसको वैसे ही कुशन के साथ हैंगिंग बना के हम दे देते हैं उन्हें। ज़्यादातर सलमे का काम जो होता है वो सीधा सीधा काम होता है। जो भी लड़का काम पर काम सीखने बैठता है 10 साल 12 साल 14 साल की उम्र से बैठ जाता है, जब वो साल दो साल सीख लेता है उसके बाद फिर वो रेशम के काम में उसको बिठाते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता उसमें पेशेंस भी आता चला जाता है, उसे मालूम है कि मुझे ये काम ऐसे करना है, एक तो पेशेंस आता चला जाता है और फिर वो काम को सीखता जाता है। मेरे ग्रैंडफादर ने अपनी ज़िंदगी में एक तस्वीर बनाई थी जिसको बोला जाता है मोसेस ऑन द माउंट ऑफ गॉड। मोसेस जिनको हम लोग आमतौर पे मुसलमान लोग मूसा अलैहि सलाम बोलते हैं, जो कि एक नबी भी हुए हैं, एक तस्वीर बनाई थी उन्होंने जो कि तकरीबन 14 साल में कम्प्लीट हुई। उस तस्वीर के बनाते वक्त मेरे वालिद ने, रईसुद्दीन साहब ने, उनको मना किया कि भाई आप इस तरह के तस्वीर के ऊपर काम कर रहे हैं जो कि एक नबी की तस्वीर है, पता नहीं इसका क्या रिज़ल्ट रहे, क्योंकि उनसे पहले दो लोगों ने बनाई थी उस तस्वीर को और दोनों के साथ कोई ना कोई सा हादसा पेश हुआ था। मेरे ग्रैंडफादर क्योंकि ख़ुद एक कलाकार थे, तो कलाकार किसी का बंदिश में नहीं रहता, वो अपनी कला के में लगा रहता। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो उसको बना के रहूँगा। तब उन्होंने उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया और जब वो तस्वीर कंप्लीट हो गई 14 साल के बाद, तो राजीव गांधी उस ज़माने में प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक अमेरिका में फेस्टिवल ऑफ इंडिया कराया था जिसमें उन्होंने एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन के तौर पे उस तस्वीर को अमेरिका भेजा और वो अमेरिका के अलग अलग हिस्सों में फेस्टिवल हुआ था, न्यूयॉर्क में, शिकागो में, अलग अलग जगहों पर हुआ था। और वो तस्वीर वहाँ पर तकरीबन कोई 2.5 साल रही। जनाब रईसुद्दीन के वालिद मरहूम शेख शमसुद्दीन ने अपने हुनर और काबिलियत के दम पे तारीख में एक अजीम कारनामा अंजाम दिया। वो एक ऐसे अजीम फनकार बने जिन्होंने जरदोजी में 3D एम्ब्रॉयडरी की बुनियाद डाली। सबसे ऊपर मैं मानता हूँ, क्योंकि दुनिया में सिर्फ गिनती के 2-3 लोग हुए हैं जिन्होंने क्राफ्ट और आर्ट को जो है मिलाकर अपनी आर्ट पैदा करी। आज इटली का इसलिए नाम है क्योंकि माइकल एंजेलो ने इटली को खड़ा कर दिया। ठीक उसी तरह से माइकल एंजेलो ऑफ एशिया मेरे दादा को कहा जाता था। पंडित नेहरू ने उनको एक बार नहीं, कई बार कहा। जापान के प्रिंस किंग आए, जब भी कहा। इंग्लैंड से प्रिंस चार्ल्स आए, जब भी गार्डन करने के लिए मेरे दादा को ही बुलाया गया, जब भी उन्होंने यही कहा, मीट माई आर्टिस्ट माइकल एंजेलो ऑफ एशिया। 3D एम्ब्रॉयडरी के खास उभार और रंगों की गहराई ने जरदोजी को एक मुनफरिद मकाम अता किया। चंद साल पहले तक हिंदुस्तान में इस फन के कद्रदान कम पाए जाते थे।
लेकिन अब अमेरिका और यूरोप में 3D जरदोजी के चाहने वालों में इजाफा हुआ है और इस बढ़ती हुई मांग और फन की नौयत को देखते हुए हिंदुस्तान के नामी ग्रामी फैशन डिजाइनर्स ने जरदोजी को अपने डिजाइन और लिबास में शामिल किया है। इस तरह हिंदुस्तान के डिजाइनर्स और गैलरी के मालिकों ने जरदोजी के फन में दोबारा जान फूंकी है। ऐसे इख्तामात जनाब रईसुद्दीन जैसे फनकारों की हौसला अफजाई करते हैं। जरदोजी का बनारस और लखनऊ से बहुत बड़ा नाता है। बनारस एक हिंदू मज़हब के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट जगह है, बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है, तो वहाँ पे शुरू से ही जरदोजी का, क्योंकि अलग अलग पहनावे होते थे, भगवानों की पोशाकें जो होती थीं उसमें जरदोजी का चलन होता था, जो आज तक मथुरा में हो रहा है, इसी वजह से बनारस के अंदर जरदोजी होती थी। लेकिन आगरा की जरदोजी और बनारस की जरदोजी में अब सबसे बड़ा, जो मैंने आपको पहले ही बताया, एक फ़र्क और एक दीवार जो खड़ी हो गई है वो हो गई है 3D एम्ब्रॉयडरी की। I just feel India has such age-long heritage with us, whether it's Zardozi or block print, any of our old forms. I don't think they're here to die. Basically, I mean, I think bridal designers or couture designers, all of us who do bridal wear, we really understand the importance of Zardozi. And clients really like it too. Maybe they want it added on our blouses or cholis or on their lehengas and not on their own knees. So it's still very much alive. And every single year we churn out a lot of collections which have zardozi in it. In fact, this year also the couture show which I'm planning next month is going to be launching. And with that we have added a lot of zardozi, maybe on the cholis, on the own knees, maybe on the skirts. आजकल के वक्त में जरदोजी के फन को अगरचे एक नई जिंदगी मिल रही है, पर यहीं जनाब रईसुद्दीन और उनके दीगर फनकारों का ऐसा मानना है कि हुकूमत-ए-हिंद को भी जरदोजी की और बेहतर नशोनुमा के लिए माकूल प्रोग्राम के साथ सामने आना चाहिए। आज जिस तरह से इस फन की मांग में इजाफा हुआ है, इसके मद्देनजर जरदोजी की तालीम के लिए और इदारों का खुलना जरूरी समझा जा रहा है। हुकूमत की तरफ से ऐसे मंसूबों की जरूरत है जिनसे इस फन की तिजारत में आई दुश्वारियां दूर हो सकें और कारोबार में आसानियां पैदा हों। पूरी दुनिया में दस्तकारी जो है अब सिर्फ हिंदुस्तान के पास रह गई है। एक जमाना था, हम जब भी दस्तकारी की बात करते थे, शिल्पियों की बात करते थे, शिल्प कला की बात करते थे, तो हम हमेशा हिंदुस्तान के साथ चाइना का नाम लेते थे। लेकिन आज हमारी खुशकिस्मती कहें या क्या बोलें इस चीज़ को, कि आज चाइना जो है वो शिल्पकारी से, दस्तकारी से पीछे हट गया है और उन्होंने अपने आप को टोटल मैकेनाइज्ड कर लिया है काम को। इस वजह से आज हिंदुस्तान के लिए मार्केट काफ़ी बढ़ गई है। जो कंपनीज़, जो मुल्क हिंदुस्तान की तरफ निगाह नहीं करते थे एक ज़माने में, आज वो सब हिंदुस्तान आ रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि भारत सरकार इस मौके को भुनाए और तरक्की के लिए प्लान्स बनाए ताकि यहाँ के लोगों की भलाई हो, उनके माली हालात अच्छे हों। प्रॉब्लम दोनों स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट सॉल्व कर सकती हैं। इसको प्रमोट करें, इसका एडवर्टाइजमेंट हो, लोग जानते ही नहीं हैं कि भाई ऐसा भी काम होता है। यानी शौकीन लोग अब भी दुनिया में ऐसे हैं। कुवैत की क्वीन शेखा लतीफ़ा, यहाँ ये जो आपको दीवार दिख रही है इसी पर बिठा दिया था मैंने, आराम से बैठ गई थी वो इस पर, जबकि वो क्वीन थी कुवैत की, क्योंकि काम की शौकीन थी इसलिए आ गई वो इन गलियों के अंदर। और यहाँ से यहाँ कार तो आ नहीं सकती थी, रक्षा में बिठा के ले गया था मैं, और रक्षा में भी खुश थी वो, सिर्फ इसलिए कि उनको काम से बड़ा शौक़ था, देखा उन्होंने, ख़रीदा भी काम। तो इसकी कोई पब्लिसिटी नहीं है, कुछ नहीं है, वो तो किसी को पता लग जाता है तो आ जाता है, बस ये है बात। जनाब रईसुद्दीन अपने दोनों बेटों के साथ आज जरदोजी की खिदमत में सर जोड़ के काम कर रहे हैं और जरदोजी के हक में अच्छी उम्मीद रखते हैं। जनाब रईसुद्दीन को इस बात का फख्र है कि इस मॉडर्न जमाने में
जहां हर काम मशीनों की मदद से किया जाता है, जरदोजी के इस हुनर को इन्होंने अभी भी अपने हाथों में रचा के रखा है। क्योंकि हैंडमेड हमेशा से ही मशीन मेड से बिल्कुल अलग रहा है। हैंडमेड की खासियत यह है कि जो चीज़ आप अपने जहन में सोच रहे हैं वो आप अपने सामने उसको उतार रहे हैं, मशीन में ऐसा नहीं हो सकता। ईरान के आसमानों से होती हुई ये जर यानी सोने की जादूगरी, जिसे हम जरदोजी या जरी के नाम से जानते हैं, मुगलिया सल्तनत के महलों की जीनत बनी और आज हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों के आंगन में अलग अलग रंगो कता में नशोनुमा पा रही है। आगरा के शम्स मार्ग पर खमखाती इस पन्नी गली के एक मकान में जनाब रईसुद्दीन ने जरदोजी को अपने आंगन में बना दी, इसकी बेहतरीन नशोनुमा की और पूरे आलम में इस नायाब दस्तकारी को एक आला मकाम हासिल कराया। जनाब रईसुद्दीन और उनकी औलाद ने इस फन को बड़ी जिम्मेदारी से सजो के रखा है। आज के इस तेज रफ्तार दौर में इस तरह के फनून को जिंदा रखने के लिए जनाब रईसुद्दीन जैसी शख्सियात की सख्त जरूरत पेश रहती है।